आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडा। तो दोस्तों जैसे कि आपने स्टार्टिंग में क्लिप देख लिया है कि हमने आपको गदर मूवी का क्लिप दिखाया है, तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा ही थंबनेल, यानी कि अगर आप कोई शॉर्ट मूवी बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, तो उसका यूट्यूब जो बैनर होता है, यूट्यूब जो थंबनेल होता है, उसको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरह का। यानी कि अगर आप देख लेते हैं इस वीडियो को कम्प्लीटली, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि थंबनेल को किस हिसाब से कैसे हमें बनाना होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक आप देखकर बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों थंबनेल बनाने के लिए आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरह से फर्स्ट टाइम इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। देन उसके बाद लेफ्ट साइड पे देखेंगे थ्री डॉट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इमेज साइज आपको मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर प्रीसेट में आपको कस्टम मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल जो है 12:720 जो कि यूट्यूब थंबनेल का रेशियो होता है, देन उसके बाद इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर पर देखेंगे आपको डिलीट बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद ओके कर देना है, डिलीट हो जाएगा। अभी हम चलेंगे बैकग्राउंड पे, यहाँ पर देखिए डबल स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको कलर का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दो कलर मिलते हैं, एक तो सिंगल कलर मिलता है, दूसरा मल्टी कलर जिसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर का कलर है सिलेक्ट हमने कर रखा है ग्रेडियंट कलर, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्लस वाले आइकॉन पे जाके आप यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने सेट कर लिया। देन उसके बाद इसको हम ओके कर देंगे। अब उसके बाद हम प्लस वाला आइकॉन पे जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, और यहाँ से एक बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस ये देखिए हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे 16:9 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद जो है टिक पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नीचे हेक्साकोन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलता है रिलेटिव साइज, इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद विड्थ और हाइट को 100% फुलफिल करने के बाद टिक कर देना है। अब यहीं पर हेक्साकोन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। देन इसकी ओपेसिटी को हम 25% कर लेते हैं। देन ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर लॉक का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसको हम लॉक कर देंगे जिससे इधर उधर हिले डुले ना, क्योंकि बैकग्राउंड है तो हिलेगा तो दिक्कत होगी। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस वाला आइकॉन दिख रहा होगा, इस पर चले जाएंगे दोबारा से, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, और यहाँ पर जो है आर्मी वाले जो होते हैं उनका हमने PNG डाउनलोड कर रखा था, इसको हम सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर सेट करेंगे। ओके, सेलेक्ट करने के बाद हेक्साकोन पे दोबारा से जाएंगे, और यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है, कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको रोटेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। देन इसी हेक्साकोन में आपको 3D रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस नीचे लिखा हुआ है इसको कुछ बढ़ा देना है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से 180 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, देन उसके बाद ओके कर देंगे, तो ये रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा इस इमेज को ऐसे सेट करना है, और इस इमेज को कुछ इस तरह से हम सेट कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चिपका देंगे कुछ इस तरह से। देन उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे दोबारा से जाने के बाद इन दोनों को लॉक कर देंगे जिससे इधर उधर डिस्टर्बेंस ना हो। अब दोबारा से जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, और यहाँ पर इस इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने रख, उसके बाद इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हेक्साकोन वाले ऑप्शन पर जाकर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है शैडो का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद इसको इनेबल कर देंगे, और यहाँ से देखिए इसकी ब्लर रेडियंस को थोड़ा सा कम कर देंगे, 6% करने के बाद जो है टिक कर देंगे। लेयर ऑप्शन पर दोबारा जाएंगे, इसको लॉक कर देंगे, दोबारा से प्लस वाले आइकॉन पर जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, और यहाँ से दूसरी PNG ले आते हैं। तो देखिए इस बार जो है अभी फायर की PNG हमने लिया है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। देन उसके बाद टिक कर देंगे, टिक करने के बाद जो है हेक्साकोन वाले ऑप्शन पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है इरेज कलर का, इस पर सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद इनेबल कर देंगे, इनेबल करने के बाद जो है यहाँ पर आपको ड्रॉपर मिलता है जो कि पिकर होता है, कलर पिकर, इस पर क्लिक करेंगे, और जो और यहाँ पर जो ब्लैक सा दिख रहा होगा इस पर हम रख देंगे। उसके बाद ओके करेंगे, देखिए जितना भी ब्लैक था हट चुका है। तो अभी हमने टॉलरेंस को 13 पे कर दिया है, और स्मूथ हेज को 20 पे करने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। अब दोबारा से हेक्साकोन पे जाएंगे, तो इरेजर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है, और तो यहाँ से ब्रश साइज को बढ़ा लेना है, और यहाँ से जो ये व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है इसको हम रिमूव कर देंगे कुछ इस तरह से, देखिए ओके, तो कुछ इस तरह से हो चुका है। देन उसके बाद टिक कर देना है। तो देखिए इस तरह की PNG बन चुकी है। अब इस PNG को कुछ इस तरह से हम यहाँ पर सेट करेंगे, ओके। देन उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसको हम लॉक कर देंगे,
अब देखिए प्लस वाले आइकॉन पे दोबारा से जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और यहाँ से सन्नी पाजी की अभी हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद इसका साइज को बढ़ाएंगे, हेक्साकोन से भी बढ़ा सकते हैं साइज को बढ़ाना है तो इमेज को सेट करने के बाद जो है हेक्साकोन पे चले जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर शैडो का ऑप्शन मिलेगा, शैडो इनेबल कर देना है और यहाँ से 5% हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन इसी हेक्साकोन में थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ पर कलर फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने सेचुरेशन 5% बढ़ाया है, ब्राइटनेस को 16 पे करने के बाद, कॉन्ट्रास्ट को 9 पे करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। देन उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब अगेन हम दोबारा से जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और यहाँ से और जो इमेज हमें चाहिए उनको ले लेते हैं। तो इस बार जो है इस इमेज को हमने लिया है, देन उसके बाद इसको टिक करेंगे। अब यहाँ हेक्साकोन पे जाना है आपको, 3D रोटेट जो आपको हमने बताया था यहाँ पर चले जाना है और इसको वाई एक्सिस में 180 डिग्री सेल्सियस में रोटेट कर लेना है। कुछ इस तरह से इमेज आ जाएगी और इस इमेज को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। उसके बाद इसी हेक्साकोन पे नीचे जाएंगे, शैडो का ऑप्शन मिलेगा, शैडो को इनेबल कर देंगे और शैडो को इस बार हम थोड़ा सा कम कर देंगे, देन उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ से जाएंगे कलर फिल्टर में और उसका कलर फिल्टर थोड़ा सा कर लेते हैं, ओके कर देंगे कलर फिल्टर के बाद। देन उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको लॉक कर देंगे। अब फिर से जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और जो भी हमें PNG लेनी है उसको दोबारा से ले आते हैं। तो देखिए इस तरह की PNG हमारी आ चुकी है, अब यहीं से इसको 3D रोटेट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से 3D रोटेट हो चुकी है, देन उसके बाद ओके कर देंगे और इस इमेज को ला के यहाँ पर रख देंगे। थोड़ा सा इमेज के साइज को छोटा करेंगे क्योंकि बड़ा है। ओके, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने सेट कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर हेक्साकोन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो शैडो का ऑप्शन मिलेगा, शैडो इनेबल कर देंगे जो कि आपको बता रहे हैं बार बार, और इसके ब्लर रेडियंस को हमने 8% कर दिया है, देन ओके कर देंगे। अब यहाँ पर जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर इस इमेज को लॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस इमेज को हम लॉक को ओपन करेंगे और थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे, तो इस तरह से अभी सेट कर दिया। देन उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको लॉक कर देंगे दोबारा से हम। तो देखिए जो फायर वाली PNG है इसको थोड़ा सा हम सेट करेंगे क्योंकि ये फेस के ऊपर आ रही है। हेक्साकोन भी जाएंगे, इरेजर पर जाएंगे और यहाँ से इसको हम रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से अभी आ चुकी है PNG हमारी। तो देखिए कुछ इस तरह से सेट कर देना है। लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस PNG को हम लॉक कर देंगे। अब दोबारा से जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, एक और PNG हमें लानी है जो कि फायर की है, इसको भी ले आते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह की PNG आ चुकी है, इसको यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी ब्लैक कलर नहीं है तो यहाँ पर हेक्साकोन पे जाएंगे और यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको इनेबल कर देंगे। देन उसके बाद जो पिकर आपको हम बताए थे, इस कलर पिकर से कलर को हम पिक करेंगे, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए PNG हमारी आ चुकी है। तो अभी जो है बराबर नहीं आया, स्मूथनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कुछ इस तरह से देखिए आ चुकी है, ओके कर देंगे और इस PNG को अब की बार जो है यहाँ पर थोड़ा सा साइज अभी बढ़ा लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमें सेट करना है जिससे कि इस PNG के पीछे चली जाए। अब उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये इमेज है ये अभी पीछे है तो इसको हमें फ्रंट पे लाना पड़ेगा, तो इसको लॉक को इनेबल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए हेक्साकोन वाले ऑप्शन पर आपको फ्रंट का ऑप्शन दिख रहा है, टू फ्रंट, इस पर क्लिक करना है तो ये फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर दोबारा से लॉक कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हो चुका है। देन उसके बाद इस फायर PNG को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हेक्साकोन पे जाएंगे, नीचे आपको दिखेगा ओपेसिटी का ऑप्शन और इसको 85% कर लेना है, टिक कर देंगे। अब यहाँ पर जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे और इसको लॉक कर देंगे। अब यहाँ से इसकी हम कॉपी कर लेंगे, अभी जो पॉइंट दिख रहा है देखिए यहाँ पर, ठीक है, पेंसिल जैसा, ये पेंसिल जैसा आपको पॉइंट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और इसकी एक कॉपी बना लेनी है। देखिए ये कॉपी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस PNG को बैकग्राउंड में सेट करेंगे जहाँ पर आर्मी वाले हमारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्साकोन पे रहेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेंगे, इसको टू बैक पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए आ चुकी है PNG हमारी। अब देखिए अभी PNG हमारी एकदम पीछे हो चुकी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आग के ऊपर आर्मी वाले चल रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, आर्मी वाले जो भी हैं थोड़ा सा इनको हम पीछे करेंगे। तो यहाँ जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे और इस PNG को हम पकड़ेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए ये PNG है हमारी जो पीछे गई है, इसको पकड़ेंगे और उठा के कुछ इस तरह रखेंगे। तो देखिए अभी ऊपर आ चुकी है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा सेट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हेक्साकोन पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से रोटेट कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि फायर सा दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद टिक कर देंगे। अब फिर से जाएंगे हम प्लस वाले आइकॉन पे, अब यहाँ से टेक्स्ट ले आते हैं।
और यहाँ पर लिखेंगे गदर 2। ओके, लिखने के बाद जो है इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, कुछ इस तरह से देखिए कर लेंगे। अब लिखने के बाद जो है ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ए बी फॉन्ट पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जो है यहाँ पर माई फॉन्ट में ही आपको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो एक फॉन्ट मिल जाएगा जिसका नाम है चुंग 5। इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए लिख कर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए ए वाले ऑप्शन पर ही टेक्सचर का ऑप्शन को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का टेक्सचर रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम क्रॉप करेंगे जिससे कि सही ढंग से हमारा टेक्सचर अप्लाई हो जाए। ओके, तो देखिए टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। दोबारा से टेक्सचर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, मेंटेन रेशियो को इनेबल करेंगे और उसके बाद टिक कर देंगे। अब हम फिर से जाएंगे ए वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है 3D टेक्स्ट का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद इसको इनेबल जैसे ही करेंगे कुछ इस तरह का आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑब्लिक को सिलेक्ट किया है, डेप्थ को 2% कर दिया है, डार्किन को 30% किया है और ऑब्लिक एंगल को आपको 170 से 180 रख लेना है। और यहाँ से नीचे जाएंगे थोड़ा सा, लाइट एंगल को हमने 192 पे किया है, इंटेंसिटी हमारा 81% है और शैडो 40% है। और यहाँ से स्पेकुलर हार्डनेस को हमने 10% करने के बाद ओके कर दिया है। अब इसी ए वाले ऑप्शन पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है इम्बोस, इस पर आपको क्लिक करना है। इनेबल करने के बाद जो है कुछ इस तरह से सेट करना है। तो यहाँ पर इम्बोस पे हमने इंटेंसिटी को 20% किया है, एम्बियंट लाइट को हमने 84 कर दिया है, स्पेकुलर हार्डनेस को 27 और बेविल को 71% कर दिया है। देन उसके बाद टिक कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हो चुका है। अब इसी ए वाले ऑप्शन पे आपको एक शैडो का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह से शैडो को सेट करना है। तो गाइस ब्लर में हमने ओपेसिटी को 100% ही रहने दिया है, ब्लर रेडियंस को 8% कर दिया है और आउट ग्लो को इनेबल कर दिया है और ऑफसेट एक्स को 1 कर दिया है हमने। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को आपको मिल रहा होगा। देन उसके बाद मैं टिक कर देता हूँ और देखिए अभी हमारा थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है। सिंपली इसको सेव करने के लिए सेव वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखिए अभी हमारा पोस्टर बनकर रेडी हो चुका है, अभी हमारा थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है, यानी कि कुछ इस तरह से आप भी अपने वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं जैसे कि आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को उनको जरूर शेयर करना जो कि YouTube पे रिसेंटली ही काम करना स्टार्ट किए हैं, जिससे थंबनेल बनाने का आइडिया उनको भी पता हो पाए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।